नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। तो फिलहाल आप सभी के लिए एक बार फिर से करंट अफेयर्स हाजिर है और आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अभी हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक तो छोड़िए, कई सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि सुहेल देव कौन है, बस इतना जरूर पता होगा क्योंकि ये भला हो अजय देवगन जी का कि वो इस टॉपिक पर एक पिक्चर बनाने जा रहे हैं। और अभी अगर देखें तो पिछले कई दिनों का राजनीतिक घटनाक्रम अगर आप देखेंगे, इवन अगर आप गूगल पे भी राजा सुहेल देव डाल दीजिए तो आपको कई सारे घटनाक्रम नजर आएंगे, जैसे कि श्रावस्ती में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया, उत्तर प्रदेश में एक जगह है श्रावस्ती या बहराइच, वहां पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है अभी भाजपा द्वारा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिसका कई सारे लोगों ने विरोध किया, कई सारे लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये राजनीतिक घटनाक्रम हुआ हाल फिलहाल। फिलहाल हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर, और जाने से पहले एक काम करना आप भूल गए हैं और ये है कि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया ना, कर दो भाई, कर दो, मैं बस कह सकता हूं, बाकी करना ना करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और लाइक तो जरूर कर देना, आज की वीडियो पे हमें 2000 लाइक चाहिए, कहीं से भी करिए कैसे भी करिए, चाहिए तो मतलब चाहिए। तो फिलहाल लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जरूर इसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं 25 जून के करंट अफेयर। सबसे पहली जानकारी, COVID-19, पूरे दुनिया लॉकडाउन, लोग इसलिए परेशान कि अगर बीमार हो जाएंगे तो जाएंगे कहां। और आज की डेट में अभी भी मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो लोग COVID-19 को लेकर असतर्कता बरस रहे हैं, यानी कि वो बिल्कुल लापरवाह होकर घूम रहे हैं, अरे मुझे नहीं होगा COVID-19, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि आज की डेट में अगर आप किसी अस्पताल में कोरोना को लेकर भर्ती होना भी चाहेंगे तो आपको बड़ी दिक्कतें महसूस होंगी, कोई प्राइवेट अस्पताल तो आपको लेगा ही नहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जो ट्रेनों के, यानी कि जो आपकी रेलगाड़ी है, ट्रेन के डिब्बों को एज ए आइसोलेशन वार्ड यूज करने जा रहा है, एज ए आइसोलेशन के लिए प्रयोग करने जा रहा है। इसके बाद कई सारे राज्य हैं जो लाइन में आएंगे, लेकिन सबसे पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। न्यूज पर आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने COVID-19 संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग, जो भी मतलब उनको क्वारंटाइन करना है तो जगह नहीं है, उनको अस्पताल में नहीं कर पा रहे हैं, उनको होटल में नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको रेलवे के डब्बों में किया जाएगा अलग अलग। जो भी लग रहा है कि हाँ इसको COVID-19 हो सकता है तो उसको आइसोलेट किया जाएगा, जिसे हम लोग क्वारंटीन कहते हैं या संगरोध कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने COVID-19 के संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों के रूप में रेल डिब्बों का प्रयोग शुरू कर दिया है। देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में, पॉइंट टू बी नोटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राज्य के वाराणसी में मऊ जंक्शन पर कोविड कोच तैनात किए गए हैं, देश में सबसे पहले, नोट हो गया, इतना ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे राज्यों को 5,231 आइसोलेशन डिब्बों की पेशकश करने के लिए तैयार है और संबंधित जोनल रेलवे ने कोचों के संगरोध सुविधा के रूप में परिवर्तित कर दिया है, उसमें बकायदा बिस्तर वगैरह लगा दिए हैं, ऑक्सीजन वगैरह रख दिया है और वो सीटी स्कैनर वगैरह सब रख दिया है वहां पर। तो उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश भी रेल डिब्बों का उपयोग क्वारंटाइन करने के लिए करेंगे, ठीक है। आज के लिए ये न्यूज इतनी ही, आगे चलते हैं। अगली जानकारी है, राजस्थान में शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना से पहले मैं आपको बताऊं, एक योजना चलती है तमिलनाडु में, जयललिता द्वारा शुरू की गई थी, अम्मा योजना, अम्मा कैंटीन योजना, उसी की तर्ज पर वसुंधरा राजे जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने एक कैंटीन शुरू की थी, एक इसी तरह की योजना शुरू की थी, अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना की अगर हम लोग बात करें, अन्नपूर्णा रसोई योजना की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें ऐसा होता था कि 5 रुपए में नाश्ता मिल जाता था और 8 रुपए में भरपेट भोजन मिल जाता है। अभी भी चल रही है वो योजना, लेकिन इसकी जो फंडिंग है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है और वर्तमान समय में अब वहां पर वसुंधरा राजे जी की सरकार नहीं है, वहां सरकार है अशोक गहलोत जी की, जो कि कांग्रेस से आते हैं। अब ये हुआ कि उनके ये योजना राजस्थान में बड़ी पॉपुलर है क्योंकि जो गरीब है उनको खाना मिल जाता है सस्ते दरों पर, और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें गाड़ी घूम घूम कर खाना बांटती है तो लोगों को कहीं जाना भी नहीं पड़ता है और आराम से खाना वगैरह मिल जाता है। इसके लिए बकायदा उन्होंने एजेंसी वगैरह अपॉइंट की थी और इस तरीके से टेंडर वगैरह जारी हुए थे, तो उसके जरिए ये योजना चलाई जा रही है। लेकिन ये योजना चलते चलते अचानक से इसी तरह की एक और योजना क्यों लॉन्च की गई। ये योजना राज्य में इतनी पॉपुलर हो गई थी और इसका बजट जो है वो राज्य सरकार धीरे धीरे कम कर रही थी, जिसकी वजह से कई सारे गरीब लोगों को इस लॉकडाउन के दौरान भी राजस्थान में खाना नहीं मिल पाया इस योजना के चलते हुए।
जिसकी वजह से सरकार की बहुत किरकिरी हुई, बहुत परेशानी हुई। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार को यह सोचता है कि चलो एक काम करते हैं कि इस योजना को बंद नहीं करते हैं लेकिन एक लोकप्रिय योजना और शुरू कर देते हैं, और इसी क्रम में नजर आने वाली है आपकी इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना का नाम इंदिरा गांधी, जो कि हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, उनके नाम पर रखा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 जून 2020 को तमिलनाडु की अम्मा रसोई योजना के तर्ज पर राजस्थान में भी इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर करते हुए लॉकडाउन और उसके बाद बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या निपटने हेतु इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, यानी कि जिस तरीके से खाना वितरित किया जाएगा, वो थोड़ा अलग तरह का है। इसमें गाड़ी नहीं होगी, इसमें एक स्टॉल बना दिया जाएगा, एक जगह बना दी जाएगी जहां पर खाना उपलब्ध कराया जाएगा, और इसमें कोई प्राइवेट टेंडर नहीं दिया जाएगा, किसी प्राइवेट एजेंसी को हायर नहीं किया जाएगा, इसमें एक एनजीओ की मदद ली जाने वाली है, और सबसे बड़ी बात है कि 100 करोड़ रुपए सालाना इस पर खर्च आने वाला है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराना है। योजना के संचालन में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी एवं सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रभावी तरीके से निगरानी होगी। देखिए, आप लोगों को लगेगा कि मैंने थोड़ा सा यहां पर बीजेपी की तरफ बोल दिया या कांग्रेस की तरफ बोल दिया, लेकिन आप लोगों का ये भ्रम है। मुझे इस तरह की राजनीति बहुत खराब लगती है। यार, आपने अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की, लेट अस सपोज आपकी सरकार ने नहीं की, किसी और सरकार ने शुरू की, बहुत पॉपुलर योजना है वहां पर। इवन अगर आप कभी भी राजस्थान जाएंगे तो आपको इस योजना का लाभ आपको मिलता हुआ दिख जाएगा, मतलब लोग इसका लाभ लेते हुए दिखेंगे। अपने देश में बहुत कम ऐसी योजना है जिसका लाभ वाकई में गरीब लोग उठा पाते हैं और इस योजना का लाभ उठा रहे थे। आप क्या कर रहे हो, आप एक योजना चल रही है उसी के पैरेलल एक दूसरी योजना खड़ी करने जा रहे हो, आप एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, आप एक नई सारी चीजें करोगे, क्यों ना उसी योजना को बढ़ा देते, अरे इसका नाम बदल देते। मेरे अपने विचार है, ठीक है, और मैं अपने विचार की अभिव्यक्ति करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हूं कानूनन, संविधान के तौर पर। तो फिलहाल राजस्थान शुरू कर रही है राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना। इसके बाद राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जरूर देखेंगे यहां पर, क्योंकि राजस्थान अभी हाल फिलहाल किन किन न्यूज की वजह से चर्चा में रहा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एक ग्राफिक डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर आप समझते होंगे, ग्राफिक डिजाइनर मतलब क्या बताऊं मैं, जो ग्राफिक वगैरह डिजाइन करते हैं उनको ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं। तो उनका नाम है स्नेहा पमनेजा। स्नेहा पमनेजा को इस बार ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर का बुक कवर प्राइज 2020 मिला था टिफिन के लिए। टिफिन नाम का एक कवर पेज बनाया था उन्होंने, ग्राफिक डिजाइन की थी, तो टिफिन के लिए जो कवर पेज उन्होंने बनाया था, तो बुक कवर प्राइज ऑक्सफोर्ड की तरफ से उनको प्राप्त हुआ है। क्या नाम है उनका, स्नेहा पमनेजा। कहां से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है आपकी राजस्थान से, नहीं ये बिलोंग नहीं करती राजस्थान से, ये 13वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इनको ये मिला था। 13वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल यानी कि 13वां जयपुर साहित्यिक सम्मेलन जो अभी हाल ही में जयपुर में हुआ था, वहां पर इनको यह प्राइज दिया गया है। आगे लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है वर्तमान समय में ओम बिरला, उन्होंने सुपोषित मां अभियान नाम का एक सुपोषण अभियान शुरू किया था कोटा राजस्थान से, जहां से वो सांसद हैं। ब्रह्म कुमारी दादी जी का भी, दादी जानकी जी का भी निधन हो गया। ब्रह्म कुमारी योग संस्थान विश्व का सबसे बड़ा एक योग संस्थान है जो अध्यात्म के लिए काम करता है, किसी महिला द्वारा चलाया जाने वाला यह सबसे बड़ा योग संस्थान था। हाल फिलहाल इसकी हेड जो दादी जानकी का निधन हो गया, ये माउंट आबू में 104 वर्ष की थी और माउंट आबू राजस्थान में इनका निधन हुआ है। इरफान खान प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये न्यूज आपको पता है, लेकिन शायद ये नहीं पता होगा कि ये जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते थे, तो इसलिए पद्मश्री अवार्डी एंड फेमस बॉलीवुड एक्टर इरफान खान अभी हाल ही में 53 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। राजस्थानी अब हिंदी वाले परेशान हो रहे हैं, सर हट जाओ थोड़ा सा किनारे, हिंदी वाला भी देख ले। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, सीएम है अशोक गहलोत यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्रा। राजकीय पशु में थोड़ा सा संशय है क्योंकि कुछ वेबसाइट ऊंट बताती है, कुछ चिंकारा बताती है, मैंने दोनों ही लिख दिए, ऑप्शन के हिसाब से मैनिपुलेट कर लीजिएगा, ऊंट और चिंकारा दोनों ही रखेंगे। राजपक्षी है गोडावन यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजकीय फूल है रोहिडा और प्रसिद्ध फल है खेजड़ी, ट्री है जान, और लोकसभा में यहां से 25 सीटें हैं और जबकि राज्यसभा में 10 सीटें हैं। यहां पर स्पेशल जो जाति है, जनजाति है, वो भील और मीना आपको देखने को मिल जाएंगी। पहले चीफ मिनिस्टर राजस्थान के रहे हैं हीरा लाल शास्त्री, कोई बहुत दिनों से डिमांड कर रहा था राजस्थान की और आज वो डिमांड पूरी हो गई। हीरा लाल शास्त्री जी जो थे वो प्रथम मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। आगे चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। इनको पहचान पा रहे हैं आप, जी हां, ये है अमर सेन, नोबल पुरस्कार विजेता अमर सेन। इनको 1998 में
इनकी एक विचारधारा अर्थशास्त्र के प्रति, लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी कि वेलफेयर इकोनॉमी के बारे में, या वेलफेयर इकोनॉमी की वजह से, विचारधारा की वजह से इनको ये नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। इनकी विचारधारा है कि सिर्फ और सिर्फ जब हम इकोनॉमी के बारे में सोचें तो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ना सोचें। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, बाकी अमर सेन ने जिस विचारधारा को खोजा होगा उसको समझा पाना मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए काफी बड़ी बात होगी। तो हाल फिलहाल इन्होंने जो विचारधारा थी, इनकी विचारधारा थी कि हम सिर्फ और सिर्फ जब इकोनॉमी में सोचे तो गरीब तबके के बारे में भी सोच के चले और एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाए जिसमें अंत यूजर को भी लाभ हो, एंड यूजर जो कि गरीब है उसको भी लाभ हो। तो हाल फिलहाल इनको एक और प्राइज प्राप्त हुआ है, जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर सेन को चुना है। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। जर्मन बुक ट्रेड 1950 से हर साल शांति पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इसमें पुरस्कार के रूप में 25,000 यूरो का, या जिसे आप $28,000 भी कह सकते हैं, का नगद पुरस्कार मिलता है। इस शांति पुरस्कार के जरिए जर्मन बुक ट्रेड का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के माध्यम से शांति के विचार को साकार करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है, यानी कि समाज में शांति की स्थापना करने में योगदान दिया है। तो अमर सेन को मिला है जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार। इसके अलावा अमर सेन के बारे में नोबल की वेबसाइट क्या कहती है, नोबल प्राइज की वेबसाइट पर जैसे ही मैं गया वहां पर अमर सेन के बारे में ये फैक्ट मुझे मिले कि अमर सेन को 1998 में सेवरिजेस रिक्स बैंक प्राइज, जिसे आप इकोनॉमिक का नोबल भी कहते हैं, 1998 में प्राप्त हुआ था। इनका जन्म 3 नवंबर 1933 में शांति निकेतन इंडिया में यानी भारत में हुआ है, और जब इनको अवार्ड मिला था तब ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में पढ़ा रहे थे। प्राइज मोटिवेशन यानी कि जो पैसा जो इनको प्राइज मिला है इस वजह से मिला है, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इन्होंने टर्म्स यूज किया वेलफेयर इकोनॉमिक यानी कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो इनको प्राइस बिस्किट के साथ शेयर नहीं किया था, इनको अकेला ये प्राइस मिला था, शेयरिंग नहीं थी इसमें, 101 मिला था। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, अमर सेन की दो कालजयी पुस्तकें हैं जिनका काफी ज्यादा बेस्ट सेलिंग हुआ है, काफी ज्यादा सेलिंग हुई। एक पुस्तक है डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम, और ये पुस्तक कई एग्जाम में पूछी गई। डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम किसकी पुस्तक है, ये अमर सेन की है। और दूसरी पुस्तक द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये भी अमर सेन की पुस्तक है। ये दो पुस्तकें आपको अमर सेन की जरूर याद होनी चाहिए कि ये दोनों पुस्तकें अमर सेन ने लिखी हैं। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, अमित त्रिपाठी ने वो किताब लिखी है जिस पुस्तक का नाम है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, सुहेलदेव के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 11वीं शताब्दी में एक लोकल राजा हुए थे, लोकल मतलब कि एक स्थानीय राजा हुए थे, उनका नाम था राजा सुहेलदेव, जो कि 11वीं शताब्दी में हुए थे। तो इनके बारे में कुछ भी पढ़ना लिखना बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन इनके बारे में अगर आप ज्यादा खोजबीन करने जाते हैं तो 16वीं शताब्दी में मिरात ए मसूदी अब्दुल रहमान द्वारा लिखी गई एक पुस्तक में इनका जिक्र मिलता है। मिरात ए मसूदी, जिसमें अब्दुल रहमान द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसमें राजा सुहेलदेव को श्रावस्ती का एक लोकल राजा बताया गया, एक स्थानीय राजा बताया गया है, और उसमें उनके महमूद गजनवी के भांजे का नाम था सालार मसूद। सालार मसूद की पूरी बायोग्राफी है आपकी, मिसात मसूद, तो उसमें उन्होंने उनकी पूरी जानकारी दी है और उसी में इनके युद्ध का वर्णन हुआ है। सालार मसूद और राजा सुहेलदेव के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें राजा सुहेलदेव की सेना सालार मसूद की सेना पर भारी पड़ गई थी और सालार मसूद के जो विजयी अभियान थे उसको रोक दिया था और उसमें सालार मसूद की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से एक मुस्लिम आक्रमण या मुगल आक्रमण से उस तत्कालीन समय में अपने एरिया को उन्होंने बचाया था, अपने बहराइच को उन्होंने बचाया था, अपने उत्तर प्रदेश को उन्होंने बचाया था। इस वजह से इनका नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहा, लेकिन फिर बाद में ये भुला दिए गए, काफी समय तक इनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन अभी अचानक से 1-2 साल के भीतर ये काफी ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं, इनके ऊपर पिक्चरें बन रही हैं, इनके ऊपर मूवी बन रही हैं, राजनीतिक पार्टियां जा रही हैं बहराइच में इनकी मूर्ति का अनावरण कर रही हैं, इनके नाम पे स्मारक बनाए जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम एक फॉरगॉटन हीरो उसको वापस से याद किया जा रहा है। तो अमित त्रिपाठी ने इसी क्रम में इनके ऊपर एक पुस्तक लिख दी, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन हुआ है। यह पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। ध्यान रखिएगा 11वीं शताब्दी के राजा हैं और इनका जिक्र पहली बार 16वीं
शताब्दी में मिरात ए मसूदी नामक पुस्तक में मिलता है। मिरात ए मसूदी किसने लिखी है? अब्दुल रहमान ने लिखी। क्योंकि ये चर्चा में है तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले एग्जाम में इनकी चर्चा जरूर आपको देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल राजा सुहेलदेव का संबंध बहराइच से है, श्रावस्ती से है। अमित त्रिपाठी की ये पुस्तक है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये वसीम जाफर रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन रहे और भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज हैं। अब इनको उत्तराखंड का कोच बनाया गया है। उत्तराखंड के कोच बनने के रूप में वसीम जाफर पहली बार किसी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बने हैं एज ए कोच और यह उनका पहला कार्यकाल होगा पूरे मुख्य कोच के तौर पर। तो हाल फिलहाल पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले जाफर ने इस साल मार्च में संन्यास लेने का ऐलान किया था। किसी टीम के साथ मुख्य कोच की भूमिका में यह उनका पहला स्पेल होगा। अगली जानकारी है, एक अपॉइंटमेंट है, टी रविशंकर जो है वो इफ्टास के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज इफ्टास ने टी रविशंकर को संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इफ्टास जो है इसका पूरा का पूरा स्वामित्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। इफ्टास की जो काम है वो मेनली ये है कि किसी तरीके से जो डिजिटल सॉल्यूशंस हैं वो बैंकों को प्रोवाइड करना, कैसा पेज दिखेगा, कैसा वेब पेज बनेगा, क्या क्या चीजें उसमें कस्टमर्स को मिलेंगी, ये सारा जो कुछ आइडिया जो डिजाइन होता है, ये सारा का सारा जो डिजाइनिंग होता है, फ्रेमवर्क होता है, वो एक टास्क द्वारा ही किया जाता है। तो टी रविशंकर को इसका हेड बनाया गया है। टी रविशंकर वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक फॉर पेमेंट सिस्टम सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और फिनटेक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें एक टास्क के अध्यक्ष के रूप में समवर्ती प्रभार दिया जाएगा, यानी कि वो दोनों पदों पर बने रहेंगे। इसके अलावा संगठन ने डॉक्टर एन राजेंद्रन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी नियुक्त किया है। थोड़ी और जानकारी के लिए मैं इफ्टास की वेबसाइट पर था। इफ्टास की वेबसाइट पर पता चला कि इफ्टास एंड इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज इज होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि ये पूरी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्वामित्व में है। मैंडेटेड टू डिजाइन, इसको बनाया गया है, इसका जो इरादा है वो डिजाइन टू डिप्लॉय एंड सपोर्ट आईटी रिलेटेड सर्विसेज टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री, यानी कि डिजाइन करना और जो भी आईटी सॉल्यूशंस हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी सॉल्यूशन है, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है, वो कौन सा प्रयोग होगा, कौन सा नहीं प्रयोग होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी इफ्टास ही देता है। तो टीवी रविशंकर वर्तमान समय में इसके हेड बनाए गए हैं। अगली जानकारी है, चाइना ने अपना वाइडू नेविगेशन उपग्रह प्रणाली हेतु अंतिम उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। नेविगेशन उपग्रह क्या होते हैं, पहले यह न्यूज पढ़ लेते हैं, फिर आपको नेविगेशन उपग्रह क्या होते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं। तो चीन ने 23 जून 2020 को, अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मिसियस नाम का एक उपग्रह भी चाइना ने लॉन्च किया था। किस लिए? ताकि क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में वो बातचीत कर सके और क्वांटम कम्युनिकेशन तक वो पहुंच चुके हैं। आपको याद है वो स्लाइड बहुत प्रॉपर बताया था मैंने। मैं अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया है, यानी कि अब चीन के पास भी अमेरिका के जीपीएस जैसा एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जिसके जरिए वो किसी भी चीज को ट्रैक कर सकता है और किसी भी चीज के बारे में जानकारी जुटा सकता है कि फला चीज कहां पर है। इसके साथ ही उसने अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। ऐसे में चीन ने अपनी नेविगेशन प्रणाली होने से उसकी अमेरिकी जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर निर्भरता कम हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत स्थित जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से 23 जून 2020 को इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। चीनी भाषा में बाइडू का मतलब होता है सप्तर्षि और यह उपग्रह बाइडू परिवार का 55वां और अंतिम उपग्रह है। जितने ज्यादा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जितने ज्यादा नेविगेशन सैटेलाइट आपके पास होंगे, आप उतना अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट क्लियरली मेजर कर पाएंगे। जैसे आप सभी, हम सभी अपने एंड्रॉइड फोन में जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारत के पास भी खुद का एक नेविगेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसे नाविक कहा जाता है। नाविक का मतलब होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नाविक का फुल फॉर्म NAVIC, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए। नेविगेशन विद, नाव का मतलब हो गया नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है नक्षत्र। तो हाल फिलहाल इंडिया के पास भी एक, हमारे पास IRNNS करके है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि सैटेलाइट सिस्टम कैसे बात करता है, लेकिन बाइडू को लॉन्च करने का उद्देश्य अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
जीपीएस अमेरिका का है, रूस का ग्लोनास है, और यूरोपीय संघ का गैलीलियो है, और भारत का है नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जीपीएस कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। लेट अस सपोज एक कार है जो जा रही है और हमारे पास चार सैटेलाइट हैं जो इसको ट्रैक करने के लिए हैं। इन सभी सैटेलाइट का उपयोग हम कम्युनिकेशन में नहीं करेंगे, यानी अपने मोबाइल फोन चलाने के लिए नहीं करेंगे। ये नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं। नेविगेशन सैटेलाइट का मतलब होता है कि वो अपनी एक किरणें यहां पर भेजेंगे, ये अपनी यहां पर भेजेंगे, ये अपना यहां पर भेजेंगे, और यहां पर इसके बाद यहां पर जो जीपीएस ट्रैकर होगा वो इसे रिसीव करेगा। यहां पर जरूर होगा एक जीपीएस रिसीवर, वो इसे रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद इन किरणों को वापस जो भी इंफॉर्मेशन होगी इन सैटेलाइट के पास जाएगी। लेट अस सपोज अगर कार इस सैटेलाइट से दूर जा रही है तो ये महसूस करेगी कि कार हमसे दूर जा रही है, ये महसूस करेगी कि कार किस एल्टीट्यूड पे जा रही है, ये और महसूस करेगी, ये महसूस करेगी कि कार मेरे पास आ रही है। इस तरह की इंफॉर्मेशन ये शेयर करेगी। और किसी देश के पास पर्टिकुलरली कोई नेविगेशन सैटेलाइट होना क्यों जरूरी है? क्यों हम जीपीएस से काम नहीं चला सकते? क्यों हम अमेरिका से काम नहीं चला सकते? देखिए, हमें अपने आप को ट्रैक करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जीपीएस ईपीएस से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई मिलिट्री सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सैन्य अभियानों की बात कर रहे हैं, वहां पर आप दुश्मन को ट्रैक करने जा रहे हैं, तो आप जीपीएस के भरोसे नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आप अगर अमेरिका से लड़ गए तो आप तो कतई उसके भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि जीपीएस तो उसी का ही। इसीलिए भारत सरकार ने खुद का एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है, इसका नाम रखा गया इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाविक कहते हैं। नाविक का फुल फॉर्म मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। हमारे पास जैसे रूस ने कितने सैटेलाइट लॉन्च किए, सॉरी चाइना ने अभी कितने सैटेलाइट लॉन्च किए, 55। हमारे पास 7 सैटेलाइट है, ये बिल्कुल इसी तरह दिखेंगे, जिसमें से आपको कुछ ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, 3 ब्लैक कलर के हैं, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, और जो रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं वो 4 सैटेलाइट है, वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। क्या फर्क होता है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में? दोनों ही सैटेलाइट किसी पृथ्वी के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही अपनी नजर बनाए रखते हैं और पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं, लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिर्फ और सिर्फ एक कक्षा में चक्कर लगा सकते हैं, और वो है ये पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहेंगे, और ये ठीक इक्वेटर के ऊपर होते हैं, यानी विषुवत रेखा के ऊपर होते हैं। जबकि अगर इनसे थोड़ा सा भी एंगल डिफर कर दिया जाए और पृथ्वी के साथ साथ अगर उस इक्वेटर के साथ आप चक्कर ना लगाएं, आप किसी और एंगल से चक्कर लगाएं, आप एक बार ऐसे एंगल, दो हमारे सैटेलाइट ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, सॉरी ऐसे, और दो सैटेलाइट हमारे इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, तो इस तरह से पूरा जो भारत का एरिया है वो कवर हो रहा है। इससे फायदा यह होगा कि हम भारत में ज्यादा ब्रॉडर रेंज पर अपने आप को ट्रैक कर पाएंगे और लोगों को ट्रैक कर पाएंगे। दो तरह के होते हैं पोजिशनिंग सिस्टम, एक होती है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम जिसको कोई भी यूज कर सकता है, और एक होती है रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो इनक्रिप्टेड होती है, उसको आप नहीं यूज कर सकते, उसको आप मिलिट्री वगैरह ही यूज कर सकते हैं। भारत के पास इस सैटेलाइट सिस्टम में 7 सैटेलाइट सिस्टम है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो 3 सैटेलाइट है उसमें 3 जो हमारे सैटेलाइट है उनमें 3 रूबिडियम क्लॉक लगी हुई है। रूबिडियम क्लॉक विश्व की सबसे अच्छी परमाणु क्लॉक मानी जाती है और एक्यूरेट डेटा एनालिसिस हमें प्रोवाइड करती है। 3 हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है और 4 हमारे पास जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। इस तरीके से हमारा जीपीएस, अमेरिका के पास कितने हैं? अमेरिका पास 24 सैटेलाइट है ऑर्बिट में, लेकिन वो सारे के सारे उसने जियो स्टेशनरी बना रखे हैं, तो उससे थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं। हम थोड़ा सा 4 सैटेलाइट के जरिए ही हम पूरे भारत को कवर कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जियो सिंक्रोनस का प्रयोग कर रहे हैं। आई थिंक काफी सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। IRNS का फुल फॉर्म भी याद रखेगा, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। चीन के पास कौन सा पहुंच गया? बाइडू। अगली जानकारी तब चलते हैं, ये भी आपका उसी से जुड़ गया, नाविक का प्रयोग यहां पे भी किया गया। अब भाई सैटेलाइट ऊपर फेंक दोगे, नीचे कुछ भी तो कुछ होना चाहिए रिसीविंग करने के लिए, वो भी उसके लिए भी अपनी डिपेंडेंसी कहीं थी, तो उसके लिए भी एक चिप आ गई है, उसका नाम रखा गया है ध्रुव। ये IIT बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्वदेशी रिसीवर चिप बनाई है, जो जीपीएस ट्रैपिंग की तरह या आपके जो भी सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट का डेटा है उसको ट्रैक कर पाएगी। इस चिप का उपयोग देश के स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जा सकता है। यह भारत के नेविगेशन उपग्रहों नाविक समूह के साथ साथ अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रहों से किसी भी व्यक्ति के स्थान का सटीक निर्धारण करने के लिए संकेत प्राप्त कर सकता है। मतलब ये नाविक के साथ भी काम करेगा और जीपीएस के साथ भी काम कर पाएगा। किसने बनाया? IIT बॉम्बे के छात्रों ने। अगली जानकारी है, जैसा कि आप सभी को पता है कुछ समय पहले खबर उड़ी थी कि LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। LIC में अगर देखा जाए तो सरकार की जो हिस्सेदारी है उसको बेचने का तरीका उन्होंने बदल दिया है और वो IPO लॉन्च करने जा रहे हैं। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
तो देश का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है, वो होगा एलआईसी का। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में भारतीय जीवन बीमा निगम के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आईपीओ निश्चित रूप से एलआईसी के मामलों में पारदर्शिता लाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा एलआईसी के प्रस्तावित आईपीओ की प्रक्रिया को परामर्श देने के लिए फर्मों, निवेश बैंकरों और वित्तीय संस्थानों सहित लेन देन सलाहकारों से आवेदन प्राप्त किए गए हैं कि इसके आईपीओ को मैनेज करिए आपको, क्योंकि एलआईसी का जो फंड है वो काफी बड़ा है और उसको मैनेज करने के लिए किसी बढ़िया आदमी की जरूरत हो जिसके पास काफी ज्यादा अनुभव हो। तो सरकार द्वारा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डीपम की मदद से एलआईसी के आईपीओ को जारी करने से पहले दो सलाहकारों को प्री आईपीओ की नियुक्ति किया गया है। नियुक्ति के लिए बात की गई है, कम से कम दो लोगों को आप नियुक्त करो जो इस आईपीओ को लॉन्च करें और उसको मैनेज कर सकें, जिन्हें कम से कम 5,000 करोड़ रुपए के आकार के आईपीओ को लेन देन का सफल प्रबंधन या कम से कम 15,000 करोड़ रुपए के पूंजी बाजार के लेन देन का प्रबंधन करने का अंदाजा हो। तो एलआईसी जिसके वर्तमान समय में हेड कौन है, एमआर कुमार जी हैं और वो निदेशक यानी कि जो आप चेयरपर्सन कह सकते हैं एलआईसी के, एमआर कुमार है। तो हाल फिलहाल वो आईपीओ लाने जा रही है। आईपीओ लाने का मतलब यह है कि अब क्या होगा, ऐसा नहीं है कि एलआईसी के शेयर पहले नहीं थे, लेकिन एलआईसी के शेयर अब ओपन मार्केट में आ जाएंगे। ओपन मार्केट में आ जाएगा मतलब आप भी एलआईसी के शेयर खरीद पाओगे, कोई भी एलआईसी का शेयर खरीद पाएगा, यानी पब्लिक ऑफरिंग हो गई है, अब इसे कोई भी खरीद पाएगा। अब जो लोगों पास एलआईसी के शेयर हैं वो अपने शेयर बेच भी पाएंगे, जैसे कि सरकार 5-10% तक अपना शेयर बेचना चाहती है और इसके जरिए पूंजी जुटाना चाहती है। आईपीओ की बात करते हैं तो आईपीओ एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत कोई कंपनी पूंजी जुटाने के लिए पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने शेयरों की बिक्री करती है। यह नई या पुरानी कंपनी हो सकती है जो किसी एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का फैसला करती है और इसके साथ ही वह पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाती है। इसके बाद शेयर बाजार में उसके शेयरों की खरीद फरोख्त होने लगती है। कंपनियां इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा सार्वजनिक रूप से नए शेयर जारी करके पूंजी जुटा सकती हैं और फिर मौजूदा शेयरधारक अपने शेयर जनता को भी बेच सकते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद कंपनी के शेयरों को खुले बाजार में कारोबार होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है तथा देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में भारतीय संसद में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित करके की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम को बाजार में लगातार नवीन और लाभदायक नीतियों के लाने के लिए जाना जाता है। सामान्य तौर पर एलआईसी पॉलिसी को बीमा बाजार में एक बेंचमार्क माना जाता है, यानी कि एलआईसी की जो पॉलिसी होती है उसी के आधार पर अन्य प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। अगली जानकारी के चलते हैं, चीन का केवल भारत के साथ विवाद नहीं चल रहा है, जापान और चीन के बीच में भी एक द्वीप को लेकर विवाद सामने आया है। हाल ही में जापान की एक स्थानीय परिषद ने चीन और ताइवान के साथ विवादित सेनकाकू द्वीपी क्षेत्र स्थित कुछ द्वीपों के प्रशासनिक स्थिति बदलने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। उनका नाम चेंज किया गया है। विधेयक के अनुसार टोक्यो द्वारा नियंत्रित सेनकाकू द्वीप के पास स्थित एक द्वीप जिसे जापान में टोनीशिरो तथा ताइवान और चीन में डीओएस के नाम से जाना जाता है, बदलकर उसका नाम टोनोशिरो सेनकाकू कर दिया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि ओकिनावा द्वीप पर इसीगाकी नाम का एक शहर है। इसीगाकी नगर परिषद के एक हिस्से को टोनोशिरो के रूप में भी जाना जाता है। इससे लोगों में क्षेत्र को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, अतः इस भ्रम की स्थिति से बचने के लिए क्षेत्र का नाम परिवर्तन किया गया है। यह क्षेत्र चीन जापान ताइवान के अतिव्यापी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि चीन और जापान को अलग करने वाले पूर्वी चीन सागर की लंबाई केवल 360 समुद्री मील है, जबकि ईएजेड की लंबाई 200 समुद्री मील मानी जाती है। तो ऐसे में नया विवाद सामने आ रहा है और चीन कह रहा है कि यह संप्रभुता पर हमला है। बात की जाए तो सेनकाकू डीओयू द्वीप को औपचारिक रूप से 1895 से जापान द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। विश्व युद्ध के बाद एक लघु अवधि के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस क्षेत्र को नियंत्रित किया गया था। यहाँ के अनेक द्वीपों पर लोगों का निजी नियंत्रण रहा है, क्योंकि उनके एरिया बहुत कम होते रहे हैं और लोगों ने पूरा पूरा आइलैंड ही खरीद लिया। बाद में जापान ने इन निजी लोगों से, प्राइवेट लोगों से वो आइलैंड खरीदे। सितंबर 2012 में जापान द्वारा एक निजी मालिक से विवादित द्वीपों को खरीदने पर तनाव फिर से शुरू हो गया, क्योंकि चीन इस पर अपना आधिपत्य जताने लगा। इसका आर्थिक महत्व इसलिए है क्योंकि यहां संभावित तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं, प्रमुख शिपिंग मार्गों में से एक है और समृद्ध मत्स्य क्षेत्र स्थित है। यह क्षेत्र चीन जापान ताइवान के अतिव्यापी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है, जो कि चीन और जापान को अलग करने वाले पूर्वी चीन सागर की लंबाई केवल 360 समुद्री मील है, जबकि ईएजेड की लंबाई 200 समुद्री मील है। तो जिस द्वीप को लेकर विवाद सामने आया है वो है सेनकाकू द्वीप, जिसका नाम कर दिया गया है टोनीशिरो सेनकाकू द्वीप। जानकारी है, WWE चैंपियन अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास की घोषणा कर दी है। मुझे लगा कि ये आपका करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी न्यूज भी होनी चाहिए कि आम दुनिया में क्या चल रहा है
और खासकर कभी कभी किसी विशेष क्षेत्र से हमें बड़ा लगाव रहता है, बचपन से मुझे बड़ा लगाव रहा WWE वाला, तो ये एंटरटेनमेंट के तौर पर एक एक्स्ट्रा न्यूज। तो रेसलिंग लीजेंड WWE चैंपियन अंडरटेकर ने रिटायरमेंट ले लिया है। उनका मूल नाम मार्क कैलावे था। करीब 3 दशक तक WWE में राज करने वाले अंडरटेकर का आखिरी मैच रेसलमेनिया 36 में था। उस मुकाबले में उनकी भिड़ंत AJ स्टाइल्स के साथ थी। अंडरटेकर ने इस मैच में जीत हासिल की थी और वे द डेड मैन के नाम से मशहूर थे। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश COVID-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों में परिवर्तित होने वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बना है? तो वह उत्तर प्रदेश। ध्रुव क्या है? नाविक के लिए एक रिसीवर चिप है, यह GPS की तरह रिसीवर चिप रहेगी। नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। अंडरटेकर ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? रेसलिंग, वर्ल्ड रेसलिंग, WWE। किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च किया है? राजस्थान। जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए किस भारत प्रसिद्ध भारतीय को चुना है? तो अमर सेन। IPO का मतलब में P क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि P फॉर पब्लिक। और ये क्यों लॉन्च हो रहा है? क्योंकि LIC के जरिए भारत सरकार अपना सबसे बड़ा IPO लॉन्च करने जा रही है। लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अमित त्रिपाठी। किसको उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? वसीम जाफर। इफ्तास ने किसको संगठन का नया अध्यक्ष चुनाव किया है? तो T रवि शंकर। चीन ने अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह उपग्रह बाइडू परिवार का कौन सा उपग्रह था? 55वां। टोकियो द्वारा नियंत्रित सेनगाकू द्वीप के पास स्थित एक द्वीप जिसे जापान ने टोनोशिरो तथा ताइवान में और जापान में दियोशिस के नाम से जाना था, क्या नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो टोनोशिरो सेनगाकू। बारी है आज के क्विज की। कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश COVID-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों में परिवर्तित होने वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बना है? तो वह है UP। ध्रुव क्या है? जिसे IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं और छात्रों द्वारा विकसित किया गया है, तो ये एक चिप है, GPS रिसीवर चिप आप इसे कह सकते हैं। अंडरटेकर ने संन्यास की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित है? रेसलिंग, वर्ल्ड WWE से संबंधित है, अपने तरह की अलग ही रेसलिंग है ये। किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो राजस्थान। जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए किस प्रसिद्ध भारतीय को चुना है? तो वो है अमर सेन। लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अमित त्रिपाठी। किसको उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो वो है वसीम जाफर। इफ्तास ने किसको संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की घोषणा की है? तो उनका नाम है T रविशंकर। चीन ने अपने बायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अंतिम उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह बायडू का कौन सा उपग्रह था? तो यह 55वां उपग्रह था। टोक्यो द्वारा नियंत्रित सेनगाकू द्वीप के पास स्थित एक द्वीप में जिसे जापान ने टोनोशिरो तथा ताइवान और चीन होना चाहिए, यहां पर दियोशिस के नाम से जाना जाता है, का नाम बदलकर क्या कर दिया है? उसका नाम कर दिया है टोनोशिरो सेनगाकू। IPO में P का मतलब क्या होता है? IPO में P का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब P का मतलब पब्लिक होता है। तो हाल फिलहाल ये रहे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करते हैं कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूं, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आज 2000 लाइक करने हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।